इस लेक्चर में हम सिलेक्शंस की बात करेंगे या ये जो मार्क मार्क टूल है इसको इसकी बात करेंगे कि ये हम किस तरह इसको यूज़ करते हैं यूए डिज़ाइन में और कैसे सिलेक्शंस ली जाती हैं और अगर सिलेक्शन लेके कोई चीज़ कॉपी करनी हो और या एडिट करनी हो तो उसको कैसे करेंगे तो बेसिकली ये लेक्चर सिलेक्शंस के बारे में है तो सबसे पहले ये मैंने यहाँ से रेक्टेंगुलर मार्केटि टूल या इसको सिलेक्शन uh, टूल मैं तो कहता हूँ इसको कुछ लोग मार्चिंग एंड्स भी कहते हैं ये देखें इससे ये सिलेक्ट किया मैंने और एम इसकी शॉर्टकट की है उसके बाद ये मैंने ड्रैग किया जहाँ तक आपने सिलेक्शन लेनी है देखें जैसे जैसे मैं ऐसे कह रहा हूँ तो ये स्मार्ट गाइड्स आ रही हैं ये देखें अलाइनमेंट के ये बिल्कुल सेंटर में ये वाला आया है उसके बाद ये देखें अब ये मैंने सारा सेलेक्ट कर लिए अच्छा अब यहाँ पर यह है कि अगर तो मैं ये सारा जो है वो करना चाह रहा हूँ कापी सिलेक्शन तो यहाँ से देखें ये पूरा एक ग्रुप है ठीक है इसमें बहुत सी लेयर्स हैं जो इस वक्त मैंने इस रेक्टेंगुलर में आई हुई हैं रेक्टेंगुलर जो सिलेक्शन है इसमें आई हुई हैं लेकिन जो प्रॉब्लम यहाँ पे ये यह है कि अगर मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ सिर्फ कॉपी करता हूँ देखें उसने मुझे एरर दे दिया कुड नॉट कम्प्लीट कॉपी कमांड क्योंकि हमने कुछ सेलेक्ट ही नहीं किया हुआ यहाँ से हमारा सिर्फ एक ग्रुप सेलेक्ट है हमें यहाँ पर कोई लेयर या कोई ऐसी चीज़ सेलेक्ट करनी पड़ेगी जो जिसको ये कॉपी करे जैसे अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और अब कॉपी करूँगा अब वो कॉपी की कोई दे नहीं रहा क्योंकि ये लेयर जो है वो इसके अंडर नहीं है ये ये कहीं हो रहा है ये देखें अगर मैं इसको हाइड करता हूँ ये लेयर ये लाइन है ये वैसी सिलेक्शन से बाहर है इसलिए वो मुझे कॉपी करने की ऑप्शन नहीं दे रहा तो इसका तरीका है कि मैं कॉपी मर्ज करूँगा उससे क्या होगा कि ये सारा जो इसके नीचे जितनी भी लेयर्स हैं वो सब कॉपी हो जाएंगी अब मैं न्यू फ़ाइल खोलता हूँ और साइज़ इसका सेट नहीं करेंगे वो जो कॉपी किया है उसी के हिसाब से ऑटोमेटिक साइज़ आ जाता है ओके किया और कंट्रोल भी ये देखें अब ये पूरी वो जो सिलेक्शन थी वो कॉपी हो गई है एक तो मेथड ये है जिसमें मैं सारा पूरा जो कैनवास है उसको कॉपी करना चाह रहा हूँ या कुछ एरिए को टोटल को कॉपी करना चाह रहा हूँ मल्टीपल लेयर्स को लेकिन अगर मैं सिंगल लेयर को कॉपी करना चाह रहा हूँ या उसकी सिलेक्शन लेना चाह रहा हूँ तो उसके लिए क्या तरीका है सबसे पहले तो आप फ़र्ज़ करें ये मैंने लेयर जो है या ये जो बॉक्स है इसको सेलेक्ट करना है या ये बटन है फ़र्ज़ करें इसको सेलेक्ट करना है मैंने इस पर क्लिक किया जैसे ही मैं क्लिक करूंगा ये देखें यहाँ से ये लेयर सेलेक्ट हो गई है उसके बाद आपने कंट्रोल की की प्रेस करके रखनी है अपने कीबोर्ड पे और आप ये देखें जैसे ही मैं इसके ऊपर कंट्रोल प्रेस करके लेके आया आएँ तो इसके ऊपर ये रेक्टेंगुलर मार्किटील टूल की जो शेप सी है वो छोटा सा आइकॉन नजर आने लग पा हैंड के साथ इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें इसकी सिलेक्शन जो है वो यहाँ पर साथ ही हो गई है अब हम क्या करेंगे कि अगर मैं अब देखें कुछ आपको चीज़ें लग रहा होगा जैसे इस बटन के नीचे हल्का सा शेडो है वो हमारे पास बाहर जा रहा है एक तो अब ये है कि मैंने सेलेक्ट तो कर लिया है ये शेप लेकिन इसके जो कुछ एक्स्ट्रा अफेक्ट्स हैं जो चीज़ें कुछ इस एरिए से बाहर हैं वो कॉपी नहीं हो रही वो सिलेक्शन में नहीं आई उनको लाने का क्या तरीका है कि आप फिल्टर में जाए सॉरी सेलेक्ट में जाएँ मोडिफाई और एक्सपैंड अपनी जो आपकी सिलेक्शन है उसको हम फर्ज करें थ्री पिग्जल्स जो है ना उसको और एक्सपेंड कर लेते हैं ये देखें ठीक है अब मैं इसको करूँगा कॉपी मस्ट सॉरी न्यू और ये मैंने पेस्ट किया तो यहाँ पे ये देखें ये पूरा बटन आ गया है और उसके शेडो के साथ आ गया यानी कि नीचे शेडो यहाँ पे इतना फ़ील नहीं हो रहा लेकिन जब ये बड़ा करूंगा तो आपको पता लगेगा कि ये नीचे देखें हल्का सा ग्रेश यहाँ से है अच्छा अब एक तो ये तरीका है दूसरा उसके बाद अब मैं अगर चाह रहा हूँ कि ये बटन छोड़ के इसके अलावा जो पूरा कैनवास है ना उसको मैं सिलेक्ट कर लूँ यानी कि इस सिलेक्शन को उल्ट इसका ऑपोजिट मैंने करना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे सिलेक्श ये सेलेक्ट में जा कर इन्वर्स या कंट्रोल शिफ्ट आई भी इसकी कमांड है इनवर्स करूँगा तो अब अब अगर मैं देखें यहाँ से कॉपी करता हूँ कॉपी मर्ज अब देखें नेक्स्ट में जब करूँगा तो ये बटन वहाँ पे नहीं आएगा बाकी सब कुछ आएगा ये देखें ये बटन वो मिसिंग था जो मैंने सिलेक्शन ली थी उसको क्योंकि मैंने उसे इनवर्स कर लिया था ऑपोजिट कर लिया था ये है एक तो सिलेक्शन लेना और इन्वर्स सिलेक्शन लेना अभी मैंने आपको बताया कि लेयर कैसे सेलेक्ट करनी है कोई भी लेयर है जैसे ये है कई दफ़ा अब ये जैसे मैंने इस लेयर पे हूँ मैं मैं इस पर कंट्रोल क्लिक करता हूँ तो ये सिलेक्ट हो गई कई दफ़ा ऐसे होता है कि मैंने इस लेयर के साथ जो है वो रूलर सेट करने होते हैं जैसे ये देखें गाइड्स मैंने सेट करनी है ये अब मैंने सिलेक्शन लिया अब ये ऑटोमेटिकली इधर खुद बहुत स्नैप हो जाएगा चिपक जाएगा जा के साथ यहाँ पर छोड़ूंगा इसके करीब तो ये देखें ऑटोमेटिक यहाँ पर लग गया अब ये है कि अगर मैंने इस लेयर के इर्द गिर्द गाइड्स बनानी है ये देखें ये, देखें, ये बन जाएंगी गाइड्स इस गाइड को मैं रिमूव कर देता हूँ इसको रिमूव करने के लिए गाइड को मैं ऊपर ले गया तो ये रिमूव होगी गाइड अब ये देखें ये मैंने उसके इर्ग टोटल एक गाइड बना लिया अच्छा अब इसको डी सेलेक्ट करना है तो आप दोबारा एम प्रेस करें एम प्रेस करके आप कहीं भी क्लिक कर दें तो डी सेलेक्ट हो जाएगा दूसरा कुछ और ऑप्शनज़ हैं जैसे ये ऊपर इसकी और हैं ये जैसे सिलेक्शन के अंदर एड सिलेक्शन और सब्ट्रैक्ट और इंटरसेक्ट और ये सारी ऑप्शन हैं ये अगर आप ऐड करना चाहें तो आप इसे ऑन कर लें और ये देखें अगर मैंने फ़र्ज़ करें ये सिलेक्शन ली हुई है <kiss> उसके बाद मैं इस पर क्लिक करता हूँ ऐड करने के लिए और इसके साथ ही मैं एक और बॉक्स कह देता हूँ ये देखें अब ये इस तरह की सिलेक्शन हो गई यहाँ से और मैं इधर से और सिलेक्ट कर लेता हूँ ये सब इसमें ऐड होती जा रही है अब ये देखें किस तरह की डिफरेंट जो है वो मैंने ये सिलेक्शन ले ली है उसके बाद ये निकालने के लिए माइनस करने के लिए सिलेक्शन मैंने माइनस करनी है ये मैं निकालता जा रहा हूँ सिलेक्शन ये देखें ये देखें जितना मैं उसमें से एरिया माइनस कर रहा हूँ वो अंदर से डिडक्ट होता जा रहा है वो सिलेक्शन छोटी होती जा रही है ये इंटरसेक्शन है ये वही उसी तरह ही है जिस तरह पहले हुआ था हमारा शेप के अंदर कि ही मैं करूँगा तो जो ओवरलैपिंग एरियाज़ हैं सिर्फ वो रह जाएंगे ये देखें यहाँ पे भी आइकॉन में आ रहा है ओवरलैपिंग एरियाज जो कॉमन एरियाज़ हैं एक जैसे जो दोनों में आ रहे हैं वो सिर्फ सिलेक्ट होगा बाक़ी सिलेक्ट नहीं होगा अब हमने ये सिलेक्शनस के बारे में काफ़ी समझ लिया है और चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर की तरफ अगर आपको ये मेरे ट्यूटोरियल्स पसंद आए हैं तो प्लीज़ मेरी वेबसाइट पर विज़िट करें लर्न यू एक्स आई डी डॉट कॉम और सब्सक्राइब करवाना ना भूलिए ताकि आपको जो नई नई अपडेट्स हैं नए न्यू कोर्सेज़ के बारे में एंड्रॉय एंड्रॉयड और आई यू एस यू आई और हाउ टू डबल योर फ्री लास्ट ये मेरे नेक्स्ट कोर्सेज़ हैं तो इनकी अपडेट्स हासिल करने के लिए जो है वो सब्सक्राइब करवाएँ और मेरे YouTube को YouTube का चैनल जो है इसको भी सब्सक्राइब करवाना ना भूलिए थैंक यू